हाय फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जितने भी बुक्स आई हैं दिसंबर जनवरी से लेकर दिसंबर 2017 तक। और इसके अलावा थोड़ी सी बुक्स मैंने कुछ और भी इंक्लूड करी हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो से आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फतेह एडुकॉम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक है द शेरशाह ऑफ कारगिल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान की फौज थी, ये जो हमारे लेट कैप्टन विक्रम बत्रा, जो इनको पॉस्थमसली परमवीर चक्र भी मिला था, तो इनको शेरशाह के नाम से वो बुलाते थे, ठीक है। काफी खौफ था इनका उनके मन में, और बहुत ही ज्यादा ब्रेव थे। उन्होंने तीन जो पीक्स थी मेन उनके ऊपर मतलब कॉन्कर हासिल की थी, एंड मोर ओवर बहुत ही ज्यादा मतलब इनके ऊपर तो एक वो मूवी भी बनी हुई है LOC कारगिल, जिसमें अभिषेक बच्चन ने इनका जो है रोल प्ले किया। और अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप थोड़ा सा इनके बारे में जरूर पढ़िए, या जरूर इनकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, तो जरूर देखिए, ठीक है। एक तरह की ट्रिब्यूट ही होगी, तो प्लीज आप जरूर देखिए। तो इस बुक का जो ऑथर है दैट इज दीपक सुराना, ठीक है। तो सेकंड जो बुक है दैट इज शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार। तो ये बुक तो पिछले साल आई थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है रिसेंटली शशि कपूर जो है इनकी डेथ हुई है। तो इनको भी मतलब जो शशि कपूर जी हैं इनको खुद को भी पद्म भूषण अवार्ड जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था, आई थिंक 2011 में। एंड उसके बाद इनको जो था 2015 में या 2014 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, एक तो इनको जो है वो पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है हुआ है, एंड 2014 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। और ये जो बुक है इसके ऑथर हैं असीम छाबड़ा। देन नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये बुक जो है ये लिखी है अरुंधति रॉय ने, ठीक है। तो अरुंधति रॉय आपको पता ही है, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वगैरह में भी ये काफी इन्वॉल्व रहती हैं। एंड मोर ओवर इनका एक नॉवल था बहुत ही फेमस, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इनको मैन बुकर्स प्राइज भी मिला था। तो एक और इसके इनके बारे में एक मतलब फेमस चीज है कि जब वो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट हुआ था, ठीक है, तो उनमें उसके अगेंस्ट भी मतलब जो कैंपेन लॉन्च की थी मेधा पटकार ने, तो उसमें भी इन्होंने उनको असिस्ट किया था और काफी साथ दिया था उनका। एंड मोर ओवर इन्होंने जितना भी मतलब इनकी जो मतलब वो जो इनको प्राइज मिला था मैन बुकर्स प्राइज, तो उसमें से जितना भी प्राइज की मनी इनको आई थी वो भी इन्होंने उस कैंपेन में ही लगाई थी, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। बिकॉज उसमें उससे काफी लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो रहे थे उस जगह से, तो उसके लिए इन्होंने जो थी वो कैंपेन लॉन्च की थी, तो उन्होंने इनको जो मेधा पटकार को काफी ज्यादा उसमें सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करंट में रहता है तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीजें। देन उसके बाद नेक्स्ट इज बुक इज अंधेरे से उजाले की ओर, और इसके जो ऑथर हैं वो है अरुण जेटली जी, ठीक है। और बेसिकली इसमें अरुण जेटली जी ने अपने ही जो इनके ब्लॉग्स आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं ये उनकी कंपाइलेशन की हुई है इसमें। देन नेक्स्ट बुक इज ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी। तो विराट कोहली भी आजकल न्यूज में आपको पता ही है, ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, एक दो और आएंगी। तो इसका जो ऑथर है दैट इज विजय लोकपाली, ठीक है। और जो विराट कोहली जी है इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है इनकी मतलब अचीवमेंट्स के लिए, एंड मोर ओवर 2017 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड जो था वो भी मिला था, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट बुक है दैट इज एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो इसके जो ऑथर हैं दैट इज डॉक्टर शशि थरूर, ठीक है। इसमें बेसिकली जो भी मतलब ब्रिटिश टाइम के दौरान जो भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुई थी इंडिया से, जो भी इंडिया इंडियन टेक्सटाइल का जितना भी काम यहाँ से वाइप आउट हो गया था, तो वो सारा इसमें जो है इन्होंने इंक्लूड किया है, वो उस चीज़ के बारे में जो है जनरली लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट बुक इज अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट। तो दंगल तो आपने देखी ही होगी, ठीक है, तो उसी के ऊपर है ये मूवी सॉरी बुक, और इसके जो ऑथर हैं दैट इज सौरभ दुग्गल। नेक्स्ट इज 1991 हाउ पीवी नसीमा राव मेड हिस्ट्री, और ये बुक जो है ये लिखी है संजय बारू ने, ठीक है। तो शायद आपको याद होगा कि 1991 में इंडिया बहुत ही ज्यादा हमने मतलब एक तरह की
नेशनल इमरजेंसी लगने वाली थी कि इतना स्वेयर क्राइसिस जो था इंडिया को फेस करना पड़ा था, इकोनॉमिक क्राइसिस हम कह सकते हैं। और उस टाइम पे नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो बहुत ही मतलब इंडिया वाज जस्ट लाइक एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, तो उस चीज़ से जो था इन्होंने बचाया था, ठीक है। तो उसके बारे में ये सारी बुक है, तो इट इज़ रिटन बाय संजय बारू। देन नेक्स्ट इज़ अ लाइफ इन, जो बुक है अ लाइफ इन डिप्लोमेसी, और इसके जो ऑथर हैं दैट इज़ महाराजा कृष्ण रसबुत्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली IFS से हैं, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में इन्होंने काम किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देन नेक्स्ट इज़ अ लाइफ इन साइंस, अ लाइफ इन साइंस इज़ बुक रिटन बाय CNR राव, तो ये भी करंटली ही सर्व्स एज अ हेड ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो ये भी मतलब इनको मतलब CV रमन जो हैं, आपने साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में सुना ही होगा, तो उसके बाद APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी आपने सुना है, तो इन दोनों के बाद इन द लाइन ये थर्ड हैं जिनको मतलब कि भारत रत्न के लिए सिलेक्शन के लिए इनको अनाउंस किया गया था, एंड ही वाज आल्सो कन्फर्ड भारत रत्न इन अराउंड आई थिंक 2014 में इनको जो था भारत रत्न मिला था, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट बुक इज़ एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, और ये बुक लिखी है YV रेड्डी ने, ठीक है। और ये आपको पता ही है ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, एंड ऑल्सो ही वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, और ये फॉर्मर मतलब गवर्नर रहे हैं RBI के। देन उसके बाद नेक्स्ट बुक इज़ एन अनसुटेबल बॉय, तो ये आपको पिक्चर जो है ये याद रहेगी इससे, ठीक है। तो इसके ऑथर जो हैं वो हैं करण जौहर। देन उसके बाद नेक्स्ट बुक इज़ चोक्ड, चोक्ड के ऑथर हैं पल्लवी अय्यर, तो ये बेसिकली जो है इसमें टू सिटीज़ का जो पोल्यूशन है उनको टारगेट किया गया इस बुक में, और वो है बीजिंग और दूसरी है नई दिल्ली, ठीक है। तो इन दोनों सिटीज़ का आप थोड़ा सा याद रख लेना। देन उसके बाद है नेक्स्ट बुक इज़ चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, और इसके ऑथर हैं शिवशंकर मैनन। तो शिवशंकर मैनन भी जो है ये डिप्लोमेट है बेसिकली, और ही ऑल्सो सर्व्ड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। देन नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, द बुक इज़ ऑथर्ड बाय अमर्त्य सेन, ठीक है। तो अमर्त्य सेन तो आपको पता ही है बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है। तो इनको जो है ये नोबल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक साइंसेस में, एंड ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन भारत रत्न, एंड उसके बाद इनको जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस में एक प्राइज़ होता है जॉन स्काइट करके, वो भी इनको मिला था पॉलिटिकल साइंस में इनकी अचीवमेंट्स के लिए। देन नेक्स्ट बुक इज़ मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना मैरिज दैट शुक इंडिया, और इसके जो ऑथर हैं दैट इज़ शीला रेड्डी। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे जब इनकी 40 ईयर्स की एज थी तो तब इनको एक लड़की थी, शी वॉज ओनली 15, रुपती पेटीट करके उसका नाम था, तो ही फेल इन लव विद हर। तो उसके बाद जो था इनको मतलब ऑस्ट्रिसाइज भी कर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, एंड फिर उसके बाद इनकी शादी अल्टीमेटली हो गई थी, और काफ़ी लोगों का ये मतलब ख्याल था कि ये उनको उसको छोड़ देंगे बाद में, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं था, इनकी मतलब काफ़ी जो थी स्टोरी सक्सेसफुली रही थी, एंड मोर ओवर उसके बाद इनकी एक बेटी भी हुई थी डाइना, आपको पता ही है, इनकी अभी थोड़ी देर पहले इनकी डेथ हुई है डायना की भी। देन नेक्स्ट बुक इज़ द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, एंड इट इज़ ऑथर्ड बाय ट्विंकल खन्ना। देन नेक्स्ट बुक इज़ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, एंड इट इज़ ऑथर्ड बाय डेविड ग्रॉसमैन। नेक्स्ट बुक इज़ द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड इट इज़ ऑथर्ड बाय SM खान। देन नेक्स्ट बुक इज़ साइबर पाठशाला, एंड इट इज़ ऑथर्ड बाय तरुण विजय, ठीक है, ये बेसिकली MP रह चुके हैं राज्यसभा में। देन नेक्स्ट बुक इज़ खुल्लम खुल्ला, इट इज़ बाय खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर, अनसेंसर्ड हो सकता है, अकेला आप खुल्लम खुल्ला ही पूछ लें किसकी बुक है, ठीक है, तो इट इज़ ऑथर्ड बाय ऋषि कपूर। देन नेक्स्ट बुक इज़ वीरप्पन चेजिंग द ब्रेगेंट,
ऑथर्ड बाय श्री विजय कुमार, ठीक है। तो ये बेसिकली जो विजय कुमार हैं ये स्पेशल टास्क फोर्स में रहे हैं, जो ये बेसिकली आईपीएस रिटायर्ड हो चुके हैं। और जब इसका वीरप्पन का जो इनकाउंटर हुआ था अंडर द ऑपरेशन कॉकून इन 2004, तो उसमें मतलब ही सर्व्ड एज अ चीफ ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। देन नेक्स्ट बुक इज ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी बाय फरकेटिंग आंध्र प्रदेश एंड इट इज ऑथर्ड बाय जयराम रमेश। तो जयराम रमेश भी इंडियन इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। देन नेक्स्ट बुक इज डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स ऑथर्ड बाय रामचंद्र गुहा। देन नेक्स्ट बुक इज डीमोनिटाइजेशन एंड ब्लैक मनी, इम्पॉर्टेंट है बुक, याद रख लेना, एंड इट इज ऑथर्ड बाय सी राम मनोहर रेड्डी। देन नेक्स्ट बुक इज इट्स बेसिकली एटलस, वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेली एटलस, ठीक है। तो ये जो एटलस है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बुक इज हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल एंड इट इज़ ऑथर्ड बाई राम कमल मुखर्जी। नेक्स्ट बुक इज हिमालयाज एडवेंचर्स मेडिटेशंस लाइफ ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड बेसिकली ये ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं बेसिकली, यानी कि इनका जो मतलब फादर मदर इनके दोनों ही ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और ये मतलब इनका बर्थ जो था 1934 में हुआ था इंडिया में, उसके बाद इनके जो फादर थे और मदर मतलब सेपरेट हो गए थे फादर मदर, और इनकी मदर ने किसी इंडियन के साथ ही शादी कर ली थी, ठीक है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को। देन नेक्स्ट बुक इज ये थोड़ी पुरानी बुक है एंड इट इज़ ऑथर्ड बाय खुशवंत सिंह एंड बुक नेम इज अमरिंदर सिंह बायोग्राफी द पीपल्स महाराजा। और खुशवंत सिंह को भी जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला था एंड उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था गोल्डन टेम्पल पे जब अटैक हुआ था इंदिरा गांधी के दौरान, तो उन्होंने अपना जो पद्म भूषण अवार्ड था वो रिटर्न भी कर दिया था, उसके बाद इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। देन नेक्स्ट बुक इज जुडिशियल रिफॉर्म्स रीसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स और ये बुक जो है इट इज़ बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ एसेज रिटन बाय एमिनेंट पर्संस ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स अंडर द स्टीवरशिप ऑफ दलवीर भंडारी, जस्टिस दलवीर भंडारी। देन नेक्स्ट बुक इज नंबर डू लाई एंड इट इज़ ऑथर्ड बाय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। देन नेक्स्ट बुक इज द ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी एंड इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माइकल क्लार्क हिमसेल्फ, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन। देन नेक्स्ट बुक इज फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी एंड इट इज ऑथर्ड बाय एम वीरप्पा मोइली। देन नेक्स्ट बुक इज होप इन द चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नरेटिव एंड इट इज ऑथर्ड बाय डॉक्टर अश्विनी कुमार। देन नेक्स्ट बुक इज मतोश्री, मतोश्री इज ऑथर्ड बाई सुमित्रा महाजन। तो सुमित्रा महाजन आपको पता ही है, शी इज इंडियन पॉलिटिशियन ऑल्सो एंड करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। देन नेक्स्ट बुक इज आशा पारक्स ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल एंड इट इज को ऑथर्ड विद आशा पारक एंड को ऑथर्ड विद खालिद मोहम्मद, सॉरी को ऑथर्ड बाई खालिद मोहम्मद अलॉन्ग विद आशा पारक हरसेल्फ। देन नेक्स्ट बुक इज बिल्डिंग द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स एंड इट इज़ ऑथर्ड बाई अर्जुन जायंट। तो लैंड ऑफ फाइव रिवर्स आपको पता ही है पंजाब को कहा जाता है। देन नेक्स्ट बुक इज मेटाफिजिक्स मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स एंड इट इज़ ऑथर्ड बाई अमल कुमार मुखोपाध्याय। देन नेक्स्ट बुक इज एम एस स्वामीनाथन द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर एंड इट इज ऑथर्ड बाई पी सी केशवन। देन नेक्स्ट बुक इज विनिंग लाइक विराट थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली, ठीक है, एंड इट इज ऑथर्ड बाय अभिरूप भट्टाचार्य। नेक्स्ट बुक इज मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन इन रेडियो एंड इट इज ऑथर्ड बाय उदय माहौरकर। एंड उदय माहौरकर की एक और बुक है दैट इज अगेन ऑन नरेंद्र मोदी, दैट इज मार्चिंग विद अ बिलियन एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म। नेक्स्ट बुक इज लालन शाह फकीर के गीत एंड इट इज ऑथर्ड बाय प्रोफेसर मुचकुंद दुबे। नेक्स्ट बुक इज द क्राइसिस विद इन एंड इट इज ऑथर्ड बाय गणेश देवी। देन नेक्स्ट बुक इज इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर एंड इट इज ऑथर्ड बाय जयराम रमेश। देन नेक्स्ट बुक इज
पुरुष युग पुरुष भारत रत्न अटल जी एंड इट इज ऑथर्ड बाय रमेश पोखरियाल निशांक. रमेश पोखरियाल निशांक भी जो हैं ये पॉलिटिशियन रहे हैं बीजेपी की पार्टी से और करंटली ये मेंबर पार्लियामेंट हैं एंड ये हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं. देन नेक्स्ट बुक इज द एमरजेंसी इंडियाज डेमोक्रेसी डार्केस्ट और ऑथर इज सूर्य प्रकाश. 25 जून को आपको पता है हमेशा ही एमरजेंसी को जो है वो याद करते हैं. एमरजेंसी जो थी ये डिक्लेयर हुई थी इंटरनल एमरजेंसी इंडिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. देन इसमें बहुत सारे फेमस जो थे वो मतलब जेल में भी गए थे लोग, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे, जयप्रकाश नारायण जी भी गए थे और भी बहुत फेमस पर्सनैलिटीज थी. देन उसके बाद नेक्स्ट बुक इज क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगनर्स. इट्स ऑल अबाउट बिटकॉइंस एंड इट इज ऑथर्ड बाय अमित भरद्वाज. नेक्स्ट बुक इज द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड एंड इट इज ऑथर्ड बाय बिंदेश्वर पाठक. देन नेक्स्ट बुक इज प्रेजिडेंट्स लेडी और ये बुक बेसिकली जो है ये इनकी जो वाइफ थी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की, सुव मुखर्जी, तो उनके लिए ही है, उनको समर्पित है ये बुक एंड इट इज ऑथर्ड बाय संगीता घोष और ये इनकी वाइफ की फोटो है. देन नेक्स्ट बुक इज प्लेइंग विद फायर बाय केटी प्राइस. देन नेक्स्ट बुक इज कड़वे प्रवचन, ये कड़वे प्रवचन है बेसिकली बुक जो है, ठीक है, और इसमें इट इज ऑथर्ड बाय जैन सेंट आचार्य तरुण सागर महाराज. देन नेक्स्ट बुक इज आई एम HIV सो वॉट एंड इट इज ऑथर्ड बाय जयंत कालिता. जयंत कालिता ने ये बुक लिखी है ऑन मणिपुर बॉडी बिल्डर प्रदीप कुमार, ये आप देख सकते हो, ठीक है, तो इन्होंने इसमें जो है ड्रग्स के अगेंस्ट लिखा हुआ है एंड इनकी इंस्पिरेशनल फाइट के बारे में जो है वो लिखा हुआ है टू ओवरकम HIV. देन नेक्स्ट बुक इज आई डू वट आई डू एंड इट इज ऑथर्ड बाय रघुराम राजन. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है, बेसिकली इसमें इन्होंने क्लियर फॉरवर्ड ये लिख दी है कि मतलब ये RBI का कोई डिसीजन नहीं था मतलब डिमोनिटाइजेशन का एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सेव दी मतलब रेपुटेशन ऑफ RBI इन दैट केस, डिमोनिटाइजेशन के केस में. देन उसके बाद नेक्स्ट बुक इज इमॉर्टल इंडिया एंड इट इज ऑथर्ड बाय अमीश त्रिपाठी. देन नेक्स्ट बुक इज हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड एंड इट इज ऑथर्ड बाय श्याम सरन. श्याम सरन जो है ही इज करंटली एम्बेसडर, क्या उसे कहते हैं, एम्बेसडर बोल रही हूँ, चेयरमैन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अंडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और काफ़ी बार मतलब क्योंकि ये IFS में इन्होंने सर्व किया है तो काफ़ी बार जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर भी रहे हैं. देन नेक्स्ट बुक इज हिट रिफ्रेश एंड इट इज ऑथर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला. नेक्स्ट बुक इज अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फॉर एंड इट इज ऑथर्ड बाय मारिया शर्पोव. मारिया शर्पोव जो है शी इज अ रशियन टेनिस प्लेयर. Then next book is Signing Tree, The Signing Tree and it is authored by Kenneth Youngston and the main aim or objective of this book is to promote awareness on preventing child blindness. Then next book is Dream Nation, Uniting a Country with Handwritten Dreams and it is authored by, co-authored by Saji Matthew and Juby John. Next book is Journey of Women Law Reforms and the Law Commission of India and it is authored by Dr. Pavan Sharma. So that's all. I hope you will definitely get benefit from this video and if you like, please subscribe to my channel Fateh.com. Thanks for watching.